अच्छा कर्पूर गोरम गाते हो और कपूर में आग लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आपको मालूम हो तो बता दो। जी जी हो बताओ। तो क्या महाराज जी भोलेनाथ जी का वे कर्पूर गोरम करणाम धारम संसार सारम भुजनी धर्म, ये शिव जी का है। तो कपूर में आग क्यों लगाई? तो के कपूर जैसे ही तो भगवान शंकर, इसलिए कपूर, तो मतलब शंकर जी में आग लगा रहे। लोग भगवान शंकर के उस शिवलिंग में गणेश जी को अलग पूजन करने जाते हैं, जाते ही नहीं जाते। गणेश जी कहाँ है? हमने देखा है यही गुमास्ता नगर के शंकर मंदिर में, शंकर जी बने शिवलिंग और जलाधारी बनी है, चरण बने जहाँ से पानी दे रहा है, सामने गणेश जी पार्वती जी सब बैठे, कार्तिक सब बैठे, माता इनके पान लोटा चलाए तो उनके भी चढ़ाया, गणेश जी के देवी जी के सबके। पर शिव महापुराण कर रही है जहां शंकर का शिवलिंग है वहां ना गणेश की जरूरत है, ना पार्वती की जरूरत है, ना कार्तिकेय की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो पार्वती जी की गोद है, जो गोल भाग है पार्वती की गोद, जहां से पानी बहता है उसका राइट चरण भगवान गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट चरण कार्तिकेय का स्थान है, बीच में जो लाइन है वो भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी है और शंकर जी स्वयं वहां पर विराजमान है। पूरा परिवार जब शंकर जी के शिवलिंग पर विराजमान है तो फिर अलग से गणेश पूजन करने क्यों जाए? पर लोगों को पसंद आता है अलग से गणेश जी पूज जाओ, अलग से देवी जी को पूजन करो। अरे शंकर का पूरा परिवार शिव के स्थान पर विराजमान है तो फिर क्यों जाए? अच्छा लगेगा? आपके यहां कोई पत्रिका दे शादी की, आपके पति का नाम लिखा, दादाजी का नाम लिखा, पिताजी का, अगर पिताजी जीवित हो तो उनका नाम, उसके बाद उनके बेटे का नाम लिख दिया, ठीक है। अब बेटे के बाद कोई तुमसे तो तुम्हारा भी नाम लिखे, तुम्हारे लड़के का भी लिखे, फिर लड़की का भी लिखे, पोते का भी लिखे, सबका लिखे, अच्छा लगेगा? नहीं। एक अगर नारायण का स्मरण हो गया तो मां लक्ष्मी उनके चरण में है, लक्ष्मी की पूजन अलग से नहीं चाहिए। वो तो ये लक्ष्मी जी के दो भाई बड़े बुरे हैं, बाकी के सब अच्छे हैं, यही दिन भर आग लगाते रहते हैं। भगवान विष्णु के दोनों साले बेकार। और जिस जिस घर में बहने अपने भाइयों की सुनती है उस घर का ये लक्ष्मी जो कर्जे में पड़ी है ना, लक्ष्मी ये कर्जे में जो दिख रही है, आज तक कर्जा नहीं चुका वो तिरुपति का, मेरे नारायण का, आज भी कुबेर कर्जा लेने को तैयार बैठा रहता है, ये कर्जे में लक्ष्मी ने डाला है, आज भी कर्जा चुका रहे। केवल माता लक्ष्मी के दोनों भाई दाता और विधाता ये दोनों ऐसे थे कि इनका एक ही काम था, जीजी ये ले ले, जीजी होती है ये तो सभी तेरे पति के पास में जा, अनबाले दो तोला की चूड़ी और जा। बस लक्ष्मी के ये दोनों भाई थे ना, जो दाता विधाता, ये बड़े अबले थे। मेरा तो महिला एक व्यक्ति से पूछा, कर्पूर गोरम गाते हो और कपूर में आग लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आपको मालूम हो तो बता दो। जी जी हो बताओ। तो क्या महाराज जी भोलेनाथ जी का वे कर्पूर गोरम करणाम धारम संसार सारम भुजनी धर्म, ये शिव जी का है। तो कपूर में आग क्यों लगाई? तो के कपूर जैसे ही तो भगवान शंकर, इसलिए कपूर, तो मतलब शंकर जी में आग लगा रहे। क्यों लगाई? पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था वो अश्व को कहां भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ ये कपूर अग्नि में डालोगे इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहां आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाए। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता,
और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है, जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, नियम है। पर आज के जमाने में तो आरती चालू हो जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है कब बुझ जाए। गलत है ये, शास्त्र विधान के विरुद्ध है, उसकी कोई विशेषता नहीं। आज जलंधर को मारना है तो शिवजी बोले सातित्व डिगाइए, सातित्व डिगाने के लिए नारायण को भेजा जाए, नारायण से विनती यमुना जी ने करी, आप कृपा करिए। ये दो बहन की आपस में, ये दो बहनों की कभी नहीं बनी, एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है, एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन जम के बोलो गंगा, और दूसरी यमुना और उनकी छोटी बहन ताप्ती, क्या नाम था ताप्ती, ये दोनों की कभी नहीं बनी। गंगा ने पार्वती और गंगा के बीच में विवाद हुआ, आपको कथा में सुनाया, ताप्ती और यमुना के बीच में भी विवाद हुआ। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी, पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहां खड़ी थी, छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया, यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया। ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया, ताप्ती मैं तुझे श्रापित देती हूं, हे ताप्ती दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है, ताप्ती नदी। और आज के जमाने में जितना 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 डूबो क्यों, पहले के जमाने में वास्तु नहीं होता था दोष, पहले के जमाने में पितृ दोष नहीं होता था, क्यों, क्योंकि घर की मां घर के परिंडे में से मटके में से लोटा भरती थी और घर का रसोई घर घर के बीच होता था, पूरे घर में परिंडा पितरों का स्थान होता था, वहां से पानी भरकर पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी, तो उसी लोटे में परिंडे का पानी जाता था तो पितृ दोष और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष, दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। पर एक बात मुझे अच्छी लगी, अभी हम लोग गए थे सुजानपुर कथा करने पंजाब में, पंजाब में लोग मंदिर में कोई नल लगवाया ही नहीं और ना मंदिर में कोई टंकी भर के रखी, पंजाब में लोग घर से भले 2 किलोमीटर मंदिर हो दूध की जो डोलची होती है उसमें पानी भर के ले जाते और डोलची में भर के ले गए और वो चढ़ा के आते। अपन गए थे कौन सा शिवलिंग है वो जहां शंकर पार्वती दोनों मिलते हैं शिवरात्रि पे, डोलेश्वर महादेव, एक डोलेश्वर महादेव गए थे दर्शन करने के लिए, वहां एक शंकर जी का शिवलिंग है एक पार्वती का शिवलिंग है, दोनों इतनी इतनी दूर पर है, पर शिवरात्रि के दिन वो दोनों शिवलिंग आपस में पत्थर के बड़े बड़े वो आपस में दोनों मिल जाते हैं शिवरात्रि के दिन, हजारों लाखों जनता वहां दर्शन करने जाती, वहां गए थे तो वो डोलची में पानी लेकर जल लेकर प्रयास करो, एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं, तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंडे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है, घर के शंकर को नहीं बाहर शिव, उसका फल मिलेगा और अधिकता में फल प्राप्त होगा, अधिकता में उसका फल।
भगवान आपने मुझ में, आपका चढ़ा हुआ जल वृंदा बोल रही है, तुलसी मेरे में नहीं आएगा भगवान। और वृंदा ने कहा, भोलेनाथ नारायण के कहने पर आपकी उपासना करी थी, इसलिए एक दिन ये तुलसी का दल आपके चरणों को समर्पित होगा। आपको मैंने श्रापित तो कर दिया, पर मेरी मुक्ति आप पर चढ़कर होगी। एक दिन आप मुझे स्वीकार करें। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक दिन होता है, जिस दिन रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ती है और ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। और वो बेलपत्र और तुलसी का इतना महत्व है, दोनों को उठा लो, सेहत की शीशी में रख लो। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, जो बच्चे मानसिक विकलांग हो, पढ़ते नहीं हो, याद नहीं रहता हो, उन बच्चों को चटाना चालू करो। 1.5 महीने में बच्चा विद्वान हो जाता है। वो शहद और तुलसी कितनी महत्वता बैकुंठ चतुर्दशी की, और सहज नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि हर का मिलन, हरि हर का एक दिवस है। समय आया, एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस असुर, जिसका विवाह तुलसी के साथ हुआ। तुलसी ये वो तुलसी नहीं है, ये तुलसी स्त्री का नाम है, नारी का नाम। एक तुलसी नाम की कन्या के साथ में शंखचूर्ण का विवाह हुआ, पर तुलसी भी सातित्ववान थी, धर्मात्मा थी, पुण्यवान थी। इसका नियम था, भगवान नारायण के चरणों में प्रतिदिन हल्दी और कुंकू चढ़ाती थी। भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में कुंकू चढ़ाती थी। कुंकू मतलब रोली, दोनों चरण। आज भी नियम है, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी नियम है इसका, यह विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। विष्णु पुराण के अगर चौथे खंड को आप पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, आज भी लिखा है। अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में रोली चढ़ाई जाती है, कुंकू। तो इसका नियम था, सातित्ववान थी, धर्मात्मा थी। पर एक दिन इसने क्या करा कि भगवान नारायण के चरण को जब पूजन करने के लिए गई, पूजन करते समय भगवान की प्रतिमा को इसने नीचे धक्के देकर गिर गया। प्रतिमा जैसी गिरी, प्रतिमा के 2 टुकड़े हो गए। आज नारायण रुष्ट हो गए। नारायण रुष्ट हुए तो नारायण ने रुष्टित होकर उसी समय पर इसको श्रापित किया। भगवान शिव ने जाना कि नारायण ने श्राप तो दे दिया है, इसका निर्वहन कैसे हो। भगवान शिव ने जानकर शंखचूर्ण ने उपद्रव मचाया, इसके सातित्व को फिर नारायण ने भ्रष्ट किया और नष्ट कर शंखचूर्ण का वध भगवान शिव ने करा। शंखचूर्ण का जब वध करा तो तुलसी ने भगवान नारायण को पत्थर होने का श्राप दिया और खुद जल की तरंग के रूप में बही, और वही जल की तरंग गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। कौन सी नदी? गंडकी ने श्राप दिया भगवान शंकर को, भोलेनाथ आपके द्वारा मेरा पति मारा गया है, इसलिए मेरा जल आप पर नहीं चढ़ेगा। आज भी अगर आप नेपाल में जाएंगे, पशुपतिनाथ का अभिषेक करेंगे, तो पशुपतिनाथ के मंदिर वाले आपसे पूछेंगे, पंडित पूछेंगे, ये जल कहाँ का है? आपने बोला नेपाल का जल है, नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि नेपाल के पास में पशु गंडकी नदी बहती है, वही नदी का जल नेपाल में आता है, तो नेपाल में नेपाल की नदी का पानी नहीं चढ़ता। आप कहेंगे हम इंडिया से जल लेकर आए हैं, हमारे यहाँ से लाए हैं, तो वो जल शिव जी को चढ़ाने देंगे, पर गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ता। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।